मुगल काल से मुरादाबाद शहर को पीतल उत्पादों के लिए जाना जाता रहा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इस शहर के पीतल ने अपनी चमक ना बिखेरी हो। पीतल की दुनिया में सालों एक छत्र राज करने के बाद अब पीतल के पारंपरिक उद्योग का चेहरा बीते कुछ सालों में बदल गया है। पीतल के कच्चे माल की महंगाई, विदेशों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीक का उद्योग में कम इस्तेमाल और नए प्रयोग करने में देरी के चलते विदेशों में पीतल उत्पादों की मांग कम हुई है। कभी सालाना 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का विदेशी व्यापार करने वाले मुरादाबाद में अब पीतल का काम 50% से भी कम हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग कच्चा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें इंगट बनाते हैं और इंगट के बाद हम लोग अपने मैन्युफैक्चरर्स को वो इंगट उपलब्ध कराते हैं और इंगट के बाद में मैन्युफैक्चरर को उपलब्ध कराने के बाद में हम छोटे छोटे कारीगरों में वो हमारा माल तब्दील हो जाता है और जो पैटर्न हम लोग उनको बनाकर देते हैं उन पैटर्नों पर वो लोग उन कलाकृतियों को की कास्टिंग करके हमको देते हैं। अदर अलग अलग तरीके से इसकी फिनिशिंग होती है और एक एक आइटम को 20 से 22 हाथों में जाना पड़ता है और एक्सपोर्ट होते होते तक ये आइटम 50 हाथों में जाने के बाद में पैक होती है तब इंटरनेशनल मार्केट में वो आइटम जा पाते हैं। मुरादाबाद के पीतल कारोबार से जुड़े लोग पहले कच्चा माल खरीदकर बड़ी बड़ी भट्टियों में पीतल की सिलियां तैयार करते हैं। इन सिलियों को कारोबारी खरीदकर इनको छोटे कारीगरों को देते हैं जो सिलियों को भट्टियों में गलाकर उत्पाद को सांचे में ढाल देते हैं। इसके बाद उत्पाद को फिनिशिंग, कलर, डिजाइन करने के लिए अलग अलग लोगों को सौंपा जाता है। एक्सपोर्टर इन्हीं कारोबारियों से अपने ऑर्डर को तैयार कराते हैं और विदेशों में भेजते हैं। हस्तशिल्प का यह उद्योग मुरादाबाद की गलियों तक फैला हुआ है, लेकिन अब कोयले और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और उत्पाद की कम कीमतों के चलते कई कारीगर इस उद्योग से पलायन कर रहे हैं। मुरादाबाद के पीतल उद्योग में आज 60 से 70% अन्य धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है। मिक्स मेटल के जरिए जहां उत्पाद को आकर्षक बनाया जा रहा है, वहीं इसको बनाने में कम मेहनत भी लगती है। सस्ता और टिकाऊ होने के चलते मिक्स मेटल के उत्पाद दुनिया के बाजार में चाइना का भी मुकाबला कर रहे हैं और कारोबारियों को मुनाफा भी दे रहे हैं। पीतल के उत्पादों को लेकर अब विदेशों में भी आकर्षण कम हुआ है, जिसके बाद मिक्स मेटल अब कारोबारियों के लिए संजीवनी बन रहा है। विदेशों में हमारे प्रोडक्ट की उस स्तर की मांग हो रही है कि हम अपने जो पुराना मेटल है हमारा पीतल के साथ साथ दूसरी धातुओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी से निर्यात को ऊंचाइयों में लाया भी जा सकता है, क्योंकि अब एक धातु पे आधारित रह करके, एक धातु पे डिपेंड रह करके आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। मुरादाबाद से निर्यात होने वाले उत्पादों में मिक्स मेटल छाया हुआ है। पीतल कारोबार से जुड़े कारोबारी और कारीगर भी अब मिक्स मेटल को लेकर संजीदा है। बदलते दौर के लिए आवश्यक है कि दुनिया की पसंद के हिसाब से अपने उद्योगों को अपडेट किया जाए और पीतल नगरी ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।